गिरधारी हो गया, गिरधारी हो गया गिरधारी। प्रहलाद से प्रेम से ब्रजवासी इन्हें गिरधर कहते हैं, इन्हें गोपाल कहते हैं। ये उनके कन्हैया हैं, ये उनके कान्हा हैं। बस मीरा को ये नाम प्रिय लगा। धर लिया गोवर्धन तूने हो गया गिरधारी। गिरधारी की छवि ऐसी छवि है जहां मध्य में भगवान है और चारों ओर अनंत अनंत भक्त हैं। किसकी छाया में? भगवान की कृपा की छाया में, भगवान की करुणा की छाया में। बस ये छवि भाग गई मीरा के उस सरस हृदय को, ये छवि मन में, ये छवि मन में बस गई। और बस उसी क्षण से पपीहे की भांति इसी नाम का आश्रय लेकर आरंभ हुआ मीरा के जीवन में। ओ तुझको पुकार रहे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए और मेरे सब दुख दूर हो जाते हैं आपको ऐसे कीर्तन करता देख के। ओ तुझको पुकार रहे दूर हुए जब तेरा नाम। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्वासों की माला को रटने के लिए प्रियतम का नाम मिल गया, सेवा मिली संत की कृपा से, नाम मिला भक्त के मुख से। मीरा के दादा जीवन भर संत की सेवा करते करते परम संत हो गए, जीवन भर भक्तों की चरण रेणु शिरोधार्य करते हुए परम भागवत हो गए। बड़े सुंदर मधुर दिन बीतने लगे। शाम का समय था, एक दिन महल के झरोखे में बैठी मीरा प्रीतम की मधुर स्मृति में लीन, वृंदावन का चिंतन, वृंदावन की भावना करती। बाहर कुछ कोलाहल सुनाई पड़ा। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सजे कुछ लोग और बीच में एक तरुण नव युवक सुकुमार, बड़े सुंदर भेष में सब लोग एकत्रित होकर जा रहे हैं। मीरा ने पूछा अपनी मां से, मां निकट बैठी थी, कि मां ये बाहर क्या हो रहा है? तो मां ने कहा नगर सेठ के लड़के का विवाह है। विवाह क्या होता है?
समय आने पर समझ जाएगी। और ये कौन है, कौन है ये इतने सुंदर वस्त्रों में सजा, सिर पर मोर धारण किए? बेटी ये दूल्हा है, इसे बींद कहते हैं। अच्छा तो मेरा दूल्हा कौन है? अब माँ ने कहा कि अरे बावरी, अभी कैसे बताऊं तेरा दूल्हा कौन है, पर आज मीरा हठ पर अड़ गई कि बताना पड़ेगा कौन है मेरा दूल्हा, कौन है मेरा बींद। ऐसा हठ तो कभी नहीं किया तूने, अब जो हो मुझे बताओ। तो बात टालनी थी, और क्या करती, क्या उत्तर देती। निकट थे गिरधर गोपाल कि ये है ना गिरधर गोपाल, यही तो तेरा बींद है, यही दूल्हा है तेरा, एक दिन आएगा और तुझे ब्याह कर ले जाएगा। बस मीरा के उस बाल सुलभ मन पर अंकित हो गई माता की ये बात कि गिरधर गोपाल तेरा दूल्हा है, ये एक दिन आएगा मोर बांधकर और तुझे ब्याह कर ले जाएगा। कहां? श्याम बने हैं राधिका, जहां राधा हो रही श्याम। मां की दृष्टि में तो ये एक सहज सी घटना घटी, भूल गई मां, लेकिन मीरा को शायद जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया मां की ये बात सुनकर। उद्देश्य मिल गया मीरा को जीने का। जब आपका आपका उद्देश्य शुद्ध होता है, जब आपका उद्देश्य प्रभु के निकट जाने को होता है, तब आपको संसार में भी सत्संग मिल जाता है। जब आपका उद्देश्य प्रभु के निकट जाने का होता है, तब आपको संसार में भी सत्संग मिल जाता है। और जब उद्देश्य कुछ और होता है, तो आप सत्संग में भी बैठ के संसार खोजते रहते हैं, तब सत्संग में भी संसार है। और अगर उद्देश्य शुद्ध है, बुद्ध है, सत्य है, तो फिर संसार में भी सत्संग मिल जाएगा। आते जाते किसी की कोई बात, किसी की चर्चा आपको प्रियतम की स्मृति करा देगी। कहीं कहीं से हर चेहरा उन जैसा लगता है, झलक मिलने लगेगी। मीरा को आज जैसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। दिन बीतते गए, अब मीरा के विवाह की बात होने लगी। बड़े ऊंचे कुल से संबंध आया है, मेवाड़ का राजकुल, हिंदुआ सूर्य, भरतवंश का सबसे श्रेष्ठ राजकुल, राजवंश, वहां की पट्ट महिषी होगी मीरा, ऐसी बात चल रही है। और जैसे ही बात मीरा के कान में पड़ी, रो दी मीरा अपनी मां के आगे कि तुमने तो मुझे बरसों पहले कह दिया था कि तेरे बींद गिरधर गोपाल हैं, मैं तो अपना तन मन प्राण सब न्योछावर कर चुकी अपने श्याम सुंदर पर, अब मीरा किसी और की नहीं हो सकती। मां ने कहा कैसी बात करती है मीरा, पीतल की मूर्ति कभी किसी का दूल्हा हो सकती है, तुम कैसे समझोगी? मीरा ने मां से थोड़े थोड़े कठोर शब्दों में कहा, तुम कैसे समझोगी मेरे हृदय की अवस्था, तुमने जीवन भर संसार का व्यवहार ही तो निभाया है, तुम ये प्यार की बात कैसे समझोगी, कैसे जानोगी? दौड़ कर गई अपने दादा के पास, कुछ संतों के साथ बैठे भगवत चर्चा हो रही थी कि दाता हुकुम, एक दुल्हन के कितने दूल्हे हो सकते हैं? हतप्रभ रह गए मीरा जैसी सुशील कन्या के मुख से ऐसा प्रश्न सुनकर कि कैसी अटपटी बात करती है बेटी, एक दूल्हे की तो दुल्हन हो सकती है एक से अधिक, पर दुल्हन का तो एक ही दूल्हा होता है, क्योंकि स्त्री पर रक्त शुद्धि का भार होता है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को कुछ अलग गुण, कुछ अलग धर्म, कुछ अलग कर्तव्य और कुछ अलग उत्तरदायित्व देकर भेजा है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह नहीं है कि महिला पुरुष जैसी हो जाए। जैसे एक पुरुष अगर स्त्री जैसा व्यवहार करने लगे तो वह उपहास का पात्र बनता है, ऐसे ही एक स्त्री जब पुरुष सा कुछ करने की चेष्टा करने लगे तो उसे भी अंत में खेद प्राप्त होता है। कुछ ऐसे गुण हैं जो प्रकृति ने केवल माताओं को देकर भेजे हैं, उनके जैसी सहनशीलता, उनके जैसी करुणा, उनके जैसा त्याग, उनके जैसी तितिक्षा पुरुष में संभव नहीं है। सशक्तिकरण का अर्थ है जो गुण आपके हैं उन्हीं का विकास किया जाए, जो गुण आपके हैं, जो प्रकृति ने आपको दिए हैं उनका विकास किया जाए, उनके विकास के साथ साथ आरोहण करते करते कभी आप मानवता के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंच जाएं, इसी का नाम सशक्तिकरण है।
पर क्षमा करना, चलो छोड़ो, रस में बिरस हो जाएगा। चलो अब बात आई है तो मैं कह देता हूं, यहां तो फिर भी बड़ी अच्छी दशा है, हम तो देश भर में यहां वहां जाना होता है, पर आज ऐसी अवस्था आ गई है कि कभी, अभी कुछ दिन पूर्व क्या हुआ, मैं कहीं मैं श्री गुरुवाणी का कोई भाव गा रहा था, कैमरा यहां वहां चल रहा था, कुछ लोग बिना सिर ढके बैठे थे, तो टीवी पर किसी ने देखा, मेरे पास में फोन आया कि आप जब श्री गुरु साहिबान की वाणी का इतना आदर करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि उस वाणी से मेरा बहुत प्रेम है, उस वाणी से मेरे हृदय का भाव जुड़ा है, इसीलिए मेरा एक प्रयास रहता है कि मैं बड़े आदर और सत्कार के साथ उसकी उसकी मान और मर्यादा का निर्वाह करते हुए ही उसे गाऊं। पर लेकिन विडंबना यह है, उस दिन मैंने विचार किया, एक बार तो मैंने सोचा कि अवज्ञा ना हो जाए मुझसे, मुझसे अवहेलना ना हो, इसलिए मैं गाऊंगा ही नहीं, क्योंकि क्या करूं, मैं सिर ढकने के लिए कहूं तो सिर ढक के आप तब बैठे ना, सिर ढकने के लिए कुछ हो आपके पास, हंसिए मत, मैं आपको कोई आई एम नॉट टेलिंग यू ए जोक, इतनी सी तो सत्संग में आने की सभ्यता हो आपके पास, आप कहां जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, सावधान होकर सुनिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं, ये आपका निजी जीवन है, आप कुछ भी पहनिए, कुछ भी ओढ़िए, कटा फटा जो आपका मन आए सो पहनिए, पर लेकिन व्यासपीठ का यह कर्तव्य है हमारे यहां प्रत्येक स्थान पर जाने की, किस प्रकार से जाया जाए, ये एक आचार संहिता है। तो जब आप कम से कम सत्संग में आए तब तो ऐसी व्यवस्था से आए कि यदि किसी परिस्थिति वशात आपको कह दिया जाए, पहली बात तो इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और ये कोई पुरानी परंपरा मात्र नहीं है, मैं जिसका निर्वाह करने के लिए आपसे कह रहा हूं, ये कोई केवल एक रीति रिवाज नहीं है, एक विज्ञान है, एक विज्ञान है। जब आप सिर ढककर बैठते हैं तो जो ऊर्जा सहस्रार चक्र से बाहर चली जाती है अस्तित्व में, वो ऊर्जा आपके भीतर रहती है। इसीलिए आज भी हमारे यहां पूजा करते समय, भजन ध्यान करते समय सबसे पहले आसन बिछाया जाता है, जमीन पर बैठकर किया गया पूजा पाठ निष्फल होता है, क्यों, क्योंकि जो धरती है वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, जब आप भजन करते हैं, जब आप साधन करते हैं, तो आप में एक सकारात्मकता उत्पन्न होती है, पॉजिटिव एनर्जी। तो जब आप बिना आसन के बैठते हैं तो जो धरती है, एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ साइंस, ये विज्ञान का सूत्र है, जो धरा है वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उस सकारात्मक ऊर्जा को खींच लेती है, पूजा निष्फल हो जाती है। दो स्थानों से ऊर्जा बाहर जाती है, एक आपका मूलाधार चक्र और एक आपका सहस्रार चक्र। तो ये संतों की, ये भक्तों की, ये ऋषियों और मनुष्यों की बनाई हुई एक व्यवस्था है, आपको सिर ढककर क्यों बैठना, ये किसी एक संप्रदाय का सम्मान नहीं है, या किसी व्यक्ति विशेष का आदर नहीं है, ये विज्ञान है कि यदि आप सिर ढककर बैठते हैं तो दोनों केंद्रों से आपकी ऊर्जा बाहर न जाकर आपके भीतर सुरक्षित रहती है, केवल इसलिए सिर ढककर बैठाया जाता है। और फिर दूसरा, मुझे लगता है कि भगवान ने मनुष्य बनाया है तो मनुष्योचित गुण भी होने चाहिए, ये शील है, ये स्वभाव है, पता नहीं विकास करते करते आप कहां पर पहुंच गए कि सिर का पल्लू आपको बोझ लगने लगा, पता नहीं आप सो कॉल्ड मॉडर्न होते होते कहां पर चले गए। मॉडर्न होने का अर्थ यह कि आप मनुष्य से पशु हो जाएं, मॉडर्न होने का अर्थ क्या यह कि आपको कपड़े बोझ लगने लगे, सो कॉल्ड मॉडर्न होने का अर्थ यह है कि आप बाजार से साबुत कपड़ा लेकर आए और घर में उसे काट फांट कर पहनने लगे, इसी का अर्थ विकास है। कभी कसौटी पर उतर कर देखिए, आपको पता चलेगा कि विकास होता क्या है। किसी ने प्रश्न किया, जैसे आज इस बच्ची ने मुझसे कहा यह प्रश्न तो अच्छा था इसलिए मैंने इसका उत्तर दिया, किसी ने कहा कि बोले आप पाश्चात्य संस्कृति के प्रति इतने कठोर क्यों हैं, तो मैंने कहा पहले तो आप अपना प्रश्न ठीक करिए, पाश्चात्य संस्कृति होती ही नहीं, पाश्चात्य विकृति होती है, संस्कृति तो केवल भारत की है, भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति नहीं होती, जहां माता पिता का सम्मान नहीं है,
जहां माता पिता का आदर नहीं है, आपने आपने बड़ा अच्छा गुण सीखा कि आपने अपने अपने नगर में मेरे पास निमंत्रण आया था कि महाराज आप हमारे वृद्धाश्रम का उद्घाटन करिए। मैंने कहा ऐसे कार्यों में ना तो मेरी कोई सहानुभूति है और ना मेरा कोई सहयोग। बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा गुण सीखा, आपने अपने देश में ओल्ड एज होम्स खुलवा दिए। जिस देश में भगवान प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम ही माथा, जिस देश में भगवान आपको आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि दिन का आरंभ कैसे हो, किसकी छाया में आप पले बढ़े, किसकी छाया में आपका जीवन विकसित हो, इसे कहते हैं अविवेक। सीखा तो सब सीख लिया और छोड़ा तो सब छोड़ दिया। जो सीखना था वो सीखा नहीं, सब सीख लिया, और जो नहीं छोड़ना था वो भी छोड़ दिया। पहले क्या होता था कि पुरुष लोग शिखा रखते थे, तो जो सिर ढकने का कार्य था वो उनकी शिखा से पूरा हो जाता था। अब आज क्या है, आप कहोगे अरे चोटी रखेंगे, पता नहीं कौन से जमाने के होंगे। वो उस जमाने के हैं जहां मनुष्य मनुष्य होता था, जहां मनुष्य पशु नहीं होता था, वो उस जमाने के लोग हैं। अच्छा आज भी मैंने देखा, अब आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चे लोग कुछ इस तरीके का हेयर स्टाइल रखते हैं, यहां पर चोटी होती है ना, ऐसा देखा है मैंने। माने बिना आधार के आप कुछ भी करेंगे, बिना आधार के, बिना किसी कारण के। लेकिन यदि संस्कार के वशात आपको कहा जाए तो वो उसे आपको पुरानी सी बात लगेगी, अरे कौन से जमाने की बात करते हैं आप। मुझे व्यासपीठ से ये बात कहना नहीं चाहिए पर आवश्यकता है, मैं कह रहा हूं। आप साधु महात्माओं को कल के, परसों के या किसी जमाने के लोग मत समझिए। आपका विज्ञान तो वस्तु पर आधारित है और हमारा विज्ञान मंत्रों पर आधारित है। हमारा विज्ञान हमारे आत्मबल में बसा है, हम अपनी उन्नति के लिए किसी के आश्रित नहीं है। आज भी हमसे मार्गदर्शन लेके और विदेशों में लोग हमारी मंत्र शक्ति पर शोध कार्य कर रहे हैं, हम लोगों से मार्गदर्शन लेकर के। और यहां यहां ऐसे ऐसे विद्यालय खुलते जा रहे हैं साहब, जहां पर हिंदी में बात करने पर बच्चों पर जुर्माना लगाया जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है ये, और आप लोग बड़े गर्व और गौरव से अपने बच्चों को उन्हीं विद्यालयों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं जहां पर हिंदी बोलने पर जुर्माना लगाया जाता है। विषयांतर हो जाएगा लेकिन मैं कह रहा हूं, मांग है ये समय की। हर शब्द का अपना एक आभा मंडल होता है, हर शब्द में अपनी एक ऊर्जा होती है। हमारी हमारी भाषा को देववाणी कहा जाता है, उस भाषा में एक पवित्रता है, उस भाषा में एक पवित्रता है। आज अमेरिका में हमारे पास ऐसा एक प्रपोजल आया था, ऐसा एक निवेदन आया था। आज अमेरिका में कितने लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं किससे, वेद मंत्रों की ध्वनि से। वो समझते नहीं कि ये क्या है, वो नहीं जानते कि क्या कहा जा रहा है। केवल उन मंत्रों की सकारात्मकता, केवल उन शब्दों की ऊर्जा उनमें इतनी सकारात्मकता भर देती है कि उन्हें लगता है कि दिन को आरंभ करने का इससे श्रेष्ठ तरीका और कोई नहीं। और यहां दिन का आरंभ कैसे होता है, हाय मम्मी, हेलो पापा, अरे वो भी करिए आप, देखिए अच्छा शब्द है हाय, अच्छा शब्द है। हमारे यहां तो अच्छे अवसर पर ऐसा शब्द बोला भी नहीं जाता। हमारे यहां कोई उत्सव हो, कोई कोई मांगलिक वेला हो तो ऐसा शब्द बोला भी नहीं जाता, और उसी से आप दिन भर का आरंभ कर रहे हैं। पहले क्या होता था, कराग्रे वसते लक्ष्मी, उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन किया जाता था, ऐसा सिखाया जाता था कि भूमि पर पांव रखने से पहले पहले धरती माता को प्रणाम करिए, पांव रखने से पहले, और अपने अपने हाथों को दर्शन करिए, हाथों में देववास होता है। आज हाथों का दर्शन तो होता है लेकिन हाथों के बीच में मोबाइल होता है। दर्शन तो आज भी सबसे पहले हाथों का ही होता है लेकिन हाथ खाली नहीं होते, पहले मोबाइल होता है, उंगली चलती है व्हाट्सएप फेसबुक पर। तो मुझे लगता है कि व्यासपीठ का एक एक कर्तव्य बनता है ये। जैसे एक व्यक्ति जो देख सकता है, उसके सामने एक व्यक्ति है जो नहीं देख पा रहा है, जो प्रज्ञा चक्षु है,
और वो किसी ऐसे मार्ग पर चला जा रहा है जहां पर जाने से वो गिरेगा, उसे बड़ी भयंकर चोट लग जाएगी, बड़ी पीड़ा होगी, तो उस समय उस आंख वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है बिना किसी परिचय के कि वो उस व्यक्ति को उस पथ पर जाने से रोके जहां पर पतन का भय है। ठीक इसी प्रकार आपसे किसी भी निजी परिचय के बिना व्यासपीठ का यह कर्तव्य अवश्य है कि समाज को उस तरफ जाने से रोके जहां से पतन हो सकता है। बाकी आगे मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी व्यक्ति यहां पर ऐसा बैठा है जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास विवेक नहीं है, क्योंकि जो अपनी दुकान पे 1 से 10 करना जानता है वो सब समझता है, उसे सब कुछ आता है, उसमें आवश्यक बुद्धि है जितनी अपने कल्याण के लिए चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि राव दूधा ने कहा क्योंकि स्त्री पर रक्त शुद्धि का भार है इसीलिए उसका एक ही वर होता है, तो फिर मेरे लिए दूसरे वर की तलाश क्यों। राव दूधा हतप्रभ रह गए, चकित हुए ये बात सुनकर, कैसी बात करती हूं, मेरे संबंध की बात चलाई जा रही है पर वो दूसरा वर कैसे, मेरे वर तो गिरधर गोपाल हैं। मीरा की वो भोली सी मुद्रा, नैनों से छलकता वो निश्चल प्रेम, वो निष्कपट सी चेष्टा, राव दूधा का मन हर लिया मीरा की इस बात ने कि ये कितनी भोली है, ये कितनी निर्मल है। मुझे संत ने ठीक कहा था कि तुम्हारे घर में तो भक्ति की गंगा अवतरित होने वाली है, कृष्ण प्रेम की वो मंदाकिनी बहेगी तुम्हारे घर से, इस मूल से, जो तीनों लोकों को पवित्र करेगी। कितना निर्मल प्रेम है इसका श्री कृष्ण के चरणों में कि संसार के कलुषित भाव का इसे स्पर्श भी नहीं हुआ, मानो छुआ भी ना हो जैसे इसे संसार ने। मनसा वाचा कर्मणा, इसका एक समर्पण है, इसके मन प्राण रमे हैं बस अपने गिरधर गोपाल में, जैसे उनके अतिरिक्त कुछ और देखना जानती नहीं, जैसे उनके अतिरिक्त ये कुछ और देखना चाहती नहीं, जैसे उनके प्रेम ने इसे सदा सदा के लिए तृप्त कर दिया है। अश्रु छलकाए उस भक्त हृदय के, उस राव दूधा की आंखों से भी मीरा की ये निश्चल प्रेम भरी बात सुनकर रो पड़े, कुछ कहा नहीं, मौन हो गए, क्योंकि मैं संसार का कटु सत्य भी जानता हूं कि विवाह तो तेरा होगा मीरा, और मैं उसमें तेरी कोई सहायता ना कर पाऊंगा। अब जब किसी ने नहीं सुनी, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आए, ताको दुख हरे ओ करुणा में, ताको दुख हरे ओ करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई हरि को नाम सदा सुखदाई। भक्त का एक आधार एक आश्रय उसके भगवान, तोड़कर गई मीरा। और इस बीच मीरा ने कहीं से सुन लिया था कि गिरधर को सबसे प्रिय क्या है, तो गिरधर को सबसे प्रिय है गान, बोले इसे गाकर रिझाया जा सकता है, ये रास बिहारी है, गायन वादन नृत्य ये इसके प्रिय हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी, गाना सीख लिया था मीरा ने। भक्त का सबसे बड़ा बल क्या है, अपने प्रभु को पुकारना। मीरा जानती थी कि जब ये किसी भी भांति न सुने तो अपनी करुण पुकार से इसे विवश किया कराया जा सकता है। इसे सुनना पड़ता है जब कोई भक्त प्रेम में भाव में भर कर गाता है। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी, तुम बिन मोरी कौन
भर ले तुम बिन मोरी, कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी, गिरधारी रे गोवर्धन गिरधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी, तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे गोवर्धन गिरधारी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की छवि नारी बलिहारी रे, कुंडल की छवि नारी गिरधारी रे, कुंडल की छवि नारी, कुंडल की छवि नारी गिरधारी रे, कुंडल की छवि नारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी, तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे गिरधारी रे।
जिस समय तुम्हें हाथ में खड़ग ले लेना चाहिए, तुम आज भी बंसी लिए खड़े हो, मंद मंद मुस्कुराते हो। हमारे यहां किसी दुर्बल से दुर्बल राजपूत की स्त्री पर भी कोई पर पुरुष दृष्टि डाले तो वो अकेला निकल पड़ता है अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, और तुम खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुराते हो। मीरा जी के महल में एक संत रहा करते थे, बड़े भावुक प्राय करके श्री मीरा जी उनसे सत्संग किया करती थी। जब संसार न सुने तो भक्त के लिए भगवान आधार है, और भक्त संसार को सुनाता भी नहीं। संसार से उत्तर न मिले तो हृदय में बैठा अंतर्यामी उत्तर देता है, वो भी मौन रहे। वहां से भी उत्तर न मिले तो फिर एक ठिकाना है, गुरु चरणों में बैठ कर कह दे मन की बात, पूर्ण कर दे कामना यह संत की जात। उन संत से जाकर मीरा ने अपनी व्यथा निवेदन की। उन्होंने कहा, बेटी यदि प्रभु मौन है तो चिंता ना कर, अवश्य इसी में तेरा कोई कल्याण, तेरा कोई मंगल निहित होगा। तू जानती है अपने प्रभु को, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, वो सृष्टि के किसी भी नियम किसी भी मर्यादा का अतिक्रमण करने में संकोच नहीं करते, अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्त के मान और सम्मान की रक्षा के लिए। वो तेरा स्वाभिमान है, और जब तेरा अभिमान तेरा मान तेरा सम्मान तेरे गिरधर हैं तो तुझे किस बात की चिंता है। चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। तो क्यों चिंता करती है, मौन होकर जो पथ प्रियतम देता जाए बस उस पर चलती जा। भरोसा छोड़ना मत, विश्वास की डोर मत टूटने देना। कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाने पर भी आशा की डोर प्रियतम के चरणों से बंधी रहे। संत ने ग्रंथि खोल दी, मौन हो गई मीरा। और जब विवाह निश्चित हो गया, तिथि निश्चित हो गई, समय आ गया, बारात द्वार पर खड़ी है, हाथ पीले होने का जब समय आया तो मीरा की मां क्या देखती है कि मीरा के हाथ पहले से पीले हैं। मीरा ये तूने क्या किया, भांति भांति की शंकाएं, भांति भांति के संशय मन में उठने लगे। मीरा ने हंसते हुए एक उत्तर दिया मां से, जो मां समझी नहीं। मायरी माना सुपना मां परण्यारे दिनाना। कि मां कल स्वप्न में मेरे दीन दयाल प्रभु आए और इस चरणों की दासी को सदा सदा के लिए अपना करके चले गए, सदा सदा के लिए स्वीकार करके चले गए। अब तो मेरा ब्याह किसी से भी करा पर मेरी भावर तो मेरे गिरधर लाल के संग पड़ चुकी। मीरा की मां को बात समझ में नहीं आई, वो जानती थी कि अरे ये प्रेम में बावरी सी कन्या कुछ भी बोलती है कुछ भी करती है, लगा ली होगी अपने गिरधर के नाम की हल्दी इसने अपने हाथों पर। रीति रिवाज संपन्न हुए, विवाह हुआ, लेकिन मीरा और भोजराज के मध्य मूरत गिरधर लाल की थी। जब भामर पड़ रही थी तब भी मीरा के हाथ में उसके गिरधर लाल थे, क्योंकि उसका मन कहता था
ऐसे बरने के बरू जो जन में मर जा बरबरिए गोपाल जू मारो चुड़लो अमर है बरबरिए गोपाल जू मारो चुड़लो अमर है जाए। विवाह हो गया, ससुराल पहुंची। ससुराल की रीति थी कि सबसे पहले वर वधु को कुल देवी को प्रणाम कराने ले जाया जाता था। पहुंची मंदिर में, सास ने कहा बेटी हमारी कुल देवी है, प्रणाम कर, मस्तक झुका, तेरा सौभाग्य अखंड रहेगा। मीरा मन में विचार करती है मुझे अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए किसी अन्य देवी या किसी देव के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है, जो मेरा सुहाग है वो तो पहले से अखंड है। मीरा ने माथा नहीं टेका, सास ने एक बार दो बार कहा, मीरा ने प्रणाम नहीं किया और अस्वीकृति की मुद्रा में सिर हिला दिया कि मैं प्रणाम नहीं करूंगी। सास ने कहा बहुए के बछेरा, विचार करने लगी ये क्या उठा लाए, हमने तो सुना था कि बड़ी भक्ता है और ये तो आते ही रंग दिखाने लगी, किसकी बात को मना करती है मीरा, राजमाता जिसका जिसकी आज्ञा स्वयं भोज राज भी नहीं टालते। और मीरा ने बड़ा निर्भय होकर कहा कि मैं प्रणाम नहीं करूंगी। कैसी अद्भुत, देखो जो निश्चल होगा वो निर्भय भी होगा, जिसके मन में जितना अधिक छल और कपट होगा उसे उतना ही संसार से भय भी होगा। देखो चार बंदूक वाले आदमी कौन रखेगा अपने पास, जिसे भय है, जो निर्भय है उसे किसी की क्या आवश्यकता है। भक्त तो कहता है जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, पर कृपा हो गिरधर लाल की तो बाल ना भाका हो, कहा करे रस खान को कोई दुष्ट लबार, पत राखन वालो आप हो जब माखन चाखन हार। कौन मिटाए उसे अब गाओगे तो पांच मिनट और देर हो जाएगी। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और मीरा ने प्रणाम नहीं किया, कलह मोल ले ली, जीवन भर की कलह, लेकिन प्रणाम नहीं किया। दिल दे के दिल भर प्यारे नू फिर प्यार पुलाया नहीं जांदा, ते सिर रख के यार दे कदमाच कदे फिर उठाया नहीं जांदा। प्रेम कलंकित हो जाता क्योंकि